दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम प्राइस में आप आपका खुद का FPV सिस्टम कैसे रेडी कर सकते हो। FPV का मतलब है फर्स्ट पर्सन व्यू। इसमें आपको वो दिखता है जो आपका ड्रोन, प्लेन, कार या बोट देखते हैं, उनके ऊपर जो आप कैमरा लगाते हो उसमें से जो दिखाई देता है, दैट यू कैन सी इनसाइड दिस वर्चुअल रियलिटी बॉक्स। वैसे ये तो VR बॉक्स है जिसका यूज़ करके हमने FPV अपना सिस्टम रेडी किया है, लेकिन रेडीमेड FPV मॉनिटर्स भी आते हैं जिनकी प्राइस आप देख सकते हो 40,000, 60,000, 80,000 इतने महंगे होते हैं। इवन 4,000 के आसपास इनकी स्टार्टिंग होती है। लेकिन आज जो हमने FPV सिस्टम रेडी किया है वो कंप्लीट पैकेज अच्छे से अच्छा FPV सिस्टम 5,000 से 6,000 यानी 5,000 to 6,000 के अराउंड बना सकते हो। तो बेसिकली FPV सिस्टम बनाने के लिए हमें चार चीज़ें लगती है। सबसे पहले तो एक कैमरा लगता है जो शूट करेगा, जो पायलट्स के आँखों का काम करेगा, और इसे आप लगा सकते हो कार में, प्लेन में, ड्रोन में या फिर बोट में। तो ये जो FPV सिस्टम मैंने रेडी किया है उसे मैंने यूटिलाइज किया है मेरे RC बोट में, जिसका फुटेज आपने देखा है। उसके बाद सेकेंड चीज़ हमें लगती है एक ऑडियो वीडियो ट्रांसमीटर, यानी जो कैमरा देखता है, रिकॉर्ड करता है, उसे वायरलेसली ट्रांसमिट करने के लिए हमें लगता है एक ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमीटर। तो ये ट्रांसमीटर हम यूज़ करने वाले हैं एज अ सेकेंड कंपोनेंट। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट है जो ऑडियो वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है उसे रिसीव करने वाला एक रिसीवर होता है, यानी जो कैमरा रिकॉर्ड करके ट्रांसमिट करता है उसे किसी ने रिसीव तो करना चाहिए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक ऑडियो वीडियो रिसीवर। उसके बाद उस रिसीवर में जो सिग्नल रिकॉर्ड होते हैं या कैच करता है वो रिसीवर, उसे डिस्प्ले करने के लिए हमें लगता है एक डिस्प्ले सिस्टम। अभी इस FPV सिस्टम में हम जो डिस्प्ले यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा मोबाइल। अभी मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है GoFPV, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो रिसीव्ड सिग्नल है वो उसमें देख सकते हो, स्प्लिट स्क्रीन में भी और सिंगल स्क्रीन में भी। स्प्लिट स्क्रीन मतलब अगर आपको आपके VR बॉक्स को यूज़ करना है, इसके अंदर आप मोबाइल डाल के आँखों पर लगा के थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक दे सकते हो, अदरवाइज सिंगल स्क्रीन पर भी आप उस वीडियो को मॉनिटर कर सकते हो, आपके रिमोट के ऊपर उसे माउंट कर सकते हो। तो बेसिकली ये चार चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं हमारे FPV सिस्टम को बनाने के लिए। अभी बात करते हैं प्राइस की। तो सबसे पहले कैमरा की बात करते हैं। तो ये जो कैमरा है वो रन कैम है। इस कैमरे का पूरा डिटेल वीडियो मैंने एक बनाया है, वो आपको ऊपर लिंक मिल जाएगी उसकी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मैंने दी है। ये बेसिकली एक 2.7K कैमरा है और FPV एज एन FPV भी इसे आप यूज़ कर सकते हो, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इसका एक एडवांटेज ये है कि FPV के साथ साथ ये रिकॉर्डिंग भी शुरू रखता है, यानी एट अ टाइम इट परफॉर्म्स टू ऑपरेशन। FPV का भी आपको रिकॉर्डेड डेटा दिखेगा लाइव आपके मॉनिटर पर, और साथ ही साथ ये उस वीडियो को भी रिकॉर्ड करते जाएगा इन 2.7K फुल HD या HD जिस भी कॉन्फ़िगरेशन में आपने इसे सेट किया है। तो इसकी प्राइस है करीब 6,400 रुपये। लेकिन मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ, ये कैमरा मैंने एज एन एक्शन कैम लिया था बिकॉज इट हैज़ मल्टीपर्पज़ यूज़। इसे मैं प्लेन में लगा के डायरेक्टली विदाउट FPV भी यूज़ कर सकता हूँ और FPV के साथ भी इसे यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सस्ता वाला FPV सिस्टम हमें बनाना है, सस्ता लेकिन अच्छा, तो उसके लिए आप 1500 या 1500 तक कोई भी एक अच्छा FPV कैमरा यूज़ कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे FPV कैमरा ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, उनका यूज़ कर सकते हो आप आपके FPV सिस्टम को बनाने के लिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वो जो कैमरा रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ FPV के लिए ही यूज़ होगा, उसमें आप कोई मेमोरी कार्ड वगैरह डाल के यूज़ नहीं कर सकते अगर आप यू वॉन्ट टू गो फॉर सम चीपर ऑप्शन। तो 1000-1500 तक आपको अच्छा कैमरा मिल जाएगा। फिर उसमें CMOS कैमरा आते हैं, अलग अलग फील्ड ऑफ व्यू के कैमराज आते हैं। सो आई विल रिकमेंड कि आप 120 डिग्री, 112 डिग्री के आसपास वाला जो वाइड एंगल वाला कैमरा रहेगा उसे ही लेना। वेल, दो तीन कैमराज की मैं परचेस लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 1000 या 1200-1500 का आपका हो गया कैमरा, तो 1500 हम पकड़ लेते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की ओर। तो ये जो है, जैसा मैंने बताया था कि ट्रांसमीटर ऑडियो वीडियो सिग्नल जो हमारा कैमरा रिकॉर्ड करता है उसे ट्रांसमिट करने के लिए लगता है हमें एक AV ट्रांसमीटर। तो ये है TS-835 मॉड्यूल, ट्रांसमीटर मॉड्यूल है। तो 5.8G का ये मॉड्यूल है और 48 चैनल्स इसमें है। आप में से बहुत लोग हैं जो ज़्यादा टेक्निकल बातें जानना नहीं चाहते, तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली इस मॉड्यूल के साथ आपको मिलता है एक एंटेना, और ये थोड़ा सा फोल्ड भी होता है, और जिस डायरेक्शन में आप घुमाना चाहते हो घुमा सकते हो। इस एंटेना को बाद में आप अपग्रेड भी कर सकते हो, फोर लीफ एंटेना या जिस भी एंटेना में ज़्यादा रेंज मिलती है उसे आप लगा सकते हो। विदाउट एंटेना इसे कभी भी ऑन मत करना, सिस्टम डैमेज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो बटन्स मिल जाते हैं, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए और दूसरा चैनल चेंज करने के लिए। अगर आप स्पेसिफिक चैनल पर ही आपका वीडियो ऑडियो वीडियो ट्रांसमिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप चैनल सिलेक्ट कर सकते हो, एंड सेम विद द फ्रीक्वेंसी। उसके बाद यहाँ पर जो स्लॉट है वहाँ पर
लगेंगी दो टाइप की वायर। सबसे पहले होता है पावर सप्लाई, इस ट्रांसमीटर को लगता है पावर सप्लाई जो आप 7 वोल्ट से 24 वोल्ट तक दे सकते हो। एंड सेकेंड इज कि इसका जो ऑडियो वीडियो सिग्नल है उसका इनपुट, तो ऑडियो वीडियो सिग्नल जो हमने कैमरा यूज़ किया है उससे इसके अंदर इनपुट जाएगा, तो उसकी एक वायर होती है, तो वो वायर होती है येलो और ब्लैक, जिसमें येलो है ऑडियो वीडियो सिग्नल, ब्लैक है ग्राउंड। और जैसा मैंने बताया कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें लगानी है पावर सप्लाई की, उसमें रेड है पॉजिटिव और ब्लैक है नेगेटिव। तो इसकी जो भी स्पेसिफिकेशंस है वो आपको इसके बॉक्स पर डिटेल्ड मिल जाएंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो दो वायर्स इसमें होती है, एक तो ऑडियो वीडियो सिग्नल इनपुट और दूसरा है वो भी इनपुट है पावर सप्लाई इनपुट, तो ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाती है। अभी हमारा कैमरा और इसका ट्रांसमीटर सेट हो चुका है। इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 1500 रुपये का मिल जाएगा। अगर आपको इससे सस्ते प्राइस में चाहिए तो आप TS-832 मॉड्यूल भी ले सकते हो, बट आई विल रिकमेंड कि ये वाला एज अ बिगिनर आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ बिगिनर इन FPV। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड इट वॉज गुड। बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की ओर, जो है रिसीवर। जो भी हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है वो रिसीव करने के लिए हमें लेना है यहाँ पर एक स्काईरॉयड का रिसीवर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी 5.8G है और हमारा ट्रांसमीटर भी 5.8G था, तो 5.8G OTG रिसीवर है, यानी आपको इसके साथ एक OTG केबल मिलेगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया था इसके पहले कि इसे आपको कनेक्ट करना है आपके मोबाइल के साथ, आपको यहाँ पर दो केबल्स मिलती हैं। सबसे पहले माइक्रो USB टू माइक्रो USB, यानी अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन का जो पोर्ट है वो माइक्रो USB है तो आप माइक्रो USB यूज़ कर सकते हो। अगर Type-C है तो Type-C to Micro USB, यानी Micro USB to Type-C भी आपको केबल मिल जाती है, क्योंकि Micro USB जो केबल है वो इसके अंदर लगती है। तो Type-C और Micro USB दोनों आपको केबल्स इसी मॉड्यूल के साथ मिल जाती है। सेकेंड थिंग, अगर आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना चाहते हो, कोई LCD स्क्रीन है या जो भी मॉनिटर अगर आपको इस पर लगाना है एक्सटर्नली अदर देन मोबाइल, तो यहाँ पर उसका भी आपको स्लॉट मिल जाता है, जहाँ पर चार पिन्स है। पहला है ऑडियो, दूसरा है वीडियो, तीसरा है 5 वोल्ट्स और चौथा है ग्राउंड। ये आपको 2200 रुपये तक मिल जाएगा। मैंने लिंक परचेस की डिस्क्रिप्शन में दी है। जैसा हमें इस TS-835 में मिला था वैसा ही सेम एंटेना इसमें मिला है, बस ये ब्लैक है ये वाइट है। और अगर आपको अपग्रेड करना है तो यहाँ पर भी 4 लीफ एंटेना आप अपग्रेड कर सकते हो। उसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा एंटेना यूज़ करने से आपको ज़्यादा रेंज मिलती है। ये जो रिसीवर है, इस रिसीवर को आपको इस VR हेडसेट पर माउंट करना है। अब ये कैसे माउंट करते हो वो आपकी क्रिएटिविटी है। सबसे पहले डबल साइडेड टेप को मैं हॉट ग्लू कर दूंगा इस VR हेडसेट के ऊपर, और उसके बाद उन टेप्स का कवर निकाल कर सिंपली इस रिसीवर मॉड्यूल को इसके ऊपर लगा दूंगा। उसके बाद एंटेना लगा कर अपना जो FPV मॉनिटर है वो है रेडी। उसके बाद दोस्तों अभी बात करते हैं डिस्प्ले की। तो जैसा मैंने मेंशन किया है कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप डायरेक्टली मोबाइल के ऊपर देख सकते हो, आपको इसका प्राइस इस पे भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो सिस्टम है वो बेसिकली 1500 रुपये का कैमरा, 1500 रुपये का ट्रांसमीटर, तो ये हो गए 3000 रुपये, और 2200 रुपये का आपका रिसीवर, तो ये हो गए 5200 रुपये। तो 5200 रुपये में बेसिकली आपका जो FPV सेटअप है वो बन जाता है। लेकिन अगर आपको मॉनिटर करना है आपकी आँखों पर रख कर, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ प्रोकस का वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, ये थोड़ा ब्रांडेड है, 2200 रुपये का ये मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया है। आई नो कि इससे सस्ते प्राइस में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको और सस्ता चाहिए खाली देखने के लिए चाहिए, वेल इसमें लेंस वगैरह भी एडजस्ट होते हैं, लेंस की डेप्थ और जो आपको लेंस के बीच का डिस्टेंस है वो एडजस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है, यानी अदर देन FPV अगर आपको इसे गेमिंग वगैरह के लिए यूज़ करना है देन ऑल्सो दिस हेडसेट इज़ गुड। स्ट्रैप्स भी अच्छे क्वालिटी के हैं, बट इफ़ सिर्फ FPV इज़ योर गोल देन आई वुड सजेस्ट कि आप 100-150 रुपये का एक VR बॉक्स मिलता है वो भी खरीद सकते हो, कार्डबोर्ड का VR बॉक्स मिलता है वो भी खरीद सकते हो, या सिर्फ लेंस खरीद कर आप वो VR बॉक्स घर पे भी बना सकते हो। सो वो आपका 100-150 रुपये का हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 5500 में आपका एक FPV सिस्टम खुद का रेडी हो जाएगा। जो सस्ता FPV मॉनिटर मिलता है जैसा मैंने देखा था बैंगलोर पे या अमेज़ॉन पे, वो 4 से 4500 ही पकड़ लो, 4500 रुपये का आपको खाली मॉनिटर मिलता है। उसके बाद आपको उसमें एंटेना खरीदना पड़ता है, ट्रांसमीटर रिसीवर और कैमरा खरीदना पड़ता है। ऑलमोस्ट 8 to 9000 यानी 10000 के आसपास आपका वो जो सेटअप है वो बन जाता है। तो ये सेटअप हमने ऑलमोस्ट 50% प्राइस में बना दिया है। ये वाला जो FPV सिस्टम है वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों सही बताओ तो जो FPV सिस्टम में मज़ा है वो बाकी किसी भी चीज़ में नहीं है। तो अभी इस FPV सिस्टम को हमें करना है कनेक्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो मोबाइल है हमारा एंड्रॉयड का, उसके अंदर GoFPV एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रख देंगे और उसे ओपन करके साइड में रख देंगे। और जो ट्रांसमीटर है TS-835 उसे हम जो इसके साथ पिन मिलती है उससे ज्वाइन कर लेंगे।
उस पिन के दो पॉइंट्स है, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर द ट्रांसमीटर और एक येलो और ब्लैक वायर है जो है एवी का रिसीवर। तो अभी ये जो पिन है यूएसबी की, इसे मैं कैमरा के अंदर लगा देता हूँ। इसमें भी दो वायर्स है, रेड एंड ब्लैक फॉर पावर सप्लाई, लेकिन पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है क्योंकि कैमरा के अंदर ऑलरेडी बैटरी है। सिर्फ हमें ज़रूरत है इस येलो एंड ब्लैक वायर की, जिसे हमें कनेक्ट करना है ट्रांसमीटर के येलो एंड ब्लैक वायर से। तो मैं यहाँ पर मेल टू मेल जम्पर वायर्स का यूज़ कर रहा हूँ टू कनेक्ट येलो विथ येलो एंड ब्लैक विथ ब्लैक। वायर्स की जो कनेक्शंस है वो प्रॉपर होने चाहिए दोस्तों, कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। अभी मैं मोबाइल को इस रिसीवर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। मेरे मोबाइल की जो पिन है वो माइक्रो यूएसबी है, सो आई विल यूज़ माइक्रो यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी कनेक्टर। और यहाँ पर मैंने इसे ऑन कर दिया है। आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं देगा बिकॉज आवर कैमरा इज़ ऑफ एंड आवर ट्रांसमीटर इज़ ऑल्सो ऑफ। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, बैटरी लेते हैं। बैटरी में हम लगा देते हैं हमारे ट्रांसमीटर को, पावर सप्लाई दे देते हैं बैटरी के साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्प्ले आ गया है 22। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो 32, 42, 52, 62 एंड 12, 22। और उसके बाद यहाँ से आप चेंज कर सकते हो चैनल को, जैसे 22, 23, 24, 25। तो चलिए 25th चैनल पर हम इसे रखते हैं। अभी करते हैं ऑन हमारे कैमरा को। कैमरा की जो ब्लू लाइट है दोस्तों, वो इसलिए ब्लिंक कर रही है बिकॉज इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं है, बट स्टिल इट विल वर्क एज एन FPV। तो आप देख सकते हो कि मोबाइल में हमें दिखना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सिग्नल थोड़ा लॉस्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिसीवर है उसका जो भी एक बटन है उसे प्रेस करके रखेंगे, तो जिससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली अपनी फ्रीक्वेंसी सर्च करेगा। तो एक बार कंप्लीट सर्च होने के बाद ये ऑटोमेटिकली उस फ्रीक्वेंसी के साथ खुद को एडजस्ट कर लेगा और आपको डिस्प्ले पर वही दिखेगा जो आपका कैमरा आपको दिखाता है। इन दिस वे योर FPV सिस्टम इज रेडी टू गो। तो यहाँ से आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। मैं थोड़ा क्लोजअप में आपको दिखा देता हूँ। हेडसेट के अंदर डाल के आप हेडसेट के अंदर से भी आपका वीडियो मॉनिटर कर सकते हो। अगर आपको आपका हेडसेट यानी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट नहीं यूज़ करना है, देन आप इस VR वाले सिंबल पर क्लिक करके इसे सिंगल स्क्रीन में भी कर सकते हो। स्क्रीन की साइज़ भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। सेटिंग्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो बेसिकली वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड ही होते हैं, लेकिन अगर आपको सिलेक्ट करना है, कुछ चेंज करना है, तो आप कर सकते हो। आप DVR रिकॉर्डिंग भी इसमें कर सकते हो। ये जो भी मैंने अभी रिकॉर्ड किया है वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन RC बोटिंग करते समय मैं ये ऑप्शन ऑन करना भूल गया था, इसलिए जो बोटिंग का DVR है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो बेसिकली गाइस, ये था एक FPV सिस्टम का आपको डेमोन्स्ट्रेशन और कम से कम प्राइस में आप इसे कैसे बना सकते हो। मैं जो RC प्लेन्स उड़ाता हूँ वो लाइन ऑफ साइट रहते हैं, तो उसमें FPV का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट इन अपकमिंग फ्लाइट्स आई वुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस FPV सिस्टम इन माई प्लेन और फिर देखेंगे कि कैसा उसका रिस्पांस आता है। सो बेसिकली गाइस, दिस वाज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप कम से कम प्राइस में आपका खुद का एक FPV सिस्टम बना सकते हो। तो आज के वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बेझिझक होकर मुझे कमेंट करके पूछ ले रहा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत इन्वेस्टमेंट भी लगती है। अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना, और ऐसी कूल वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।